इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। नमस्कार, मैं सुशील पाल और एमपीटीवी इंडिया पर आज बात फास्टैग की। अगर आप भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 30 नवंबर के बाद निकल रहे हैं और आपने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगाया है तो ये खबर देख लीजिए, क्योंकि अगर फास्टैग नहीं तो समझो आपका समय बर्बाद। 1 दिसंबर 2019 से देश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस साल 1 दिसंबर से सभी राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा के सभी लेन को फास्टैग से जोड़ने जा रहा है, जिसके बाद आपको टोल प्लाजा पर भुगतान फास्टैग से ही करना होगा। लेकिन बहुत लोगों को फास्टैग को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो चलिए आज आपको जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर कर देते हैं। फास्टैग एक डिजिटल स्टिकर है जो आपकी गाड़ियों के सामने के शीशे पर लगा होना चाहिए। ये फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसके जरिए सरकार कैशलेस टोल टैक्स भुगतान को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो व्यवस्था टोल प्लाजा पर लागू है उसमें कैश और कैशलेस दोनों तरीके से टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। लेकिन अगर 1 दिसंबर तक गाड़ी में फास्टैग नहीं लगवाया तो इसके बाद व्यक्ति को टोल प्लाजा पर दुगना भुगतान करना पड़ सकता है। नई व्यवस्था के तहत फास्टैग लगी गाड़ियों को टोल प्लाजा पर खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। कार मालिक के अकाउंट से टोल टैक्स की रकम खुद ही प्रीपेड अकाउंट या फिर जो लिंक किया गया बैंक अकाउंट होगा उससे काट ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक वैसे तो फास्टैग मुफ्त वितरित किया जा रहा है, लेकिन शुरुआती शुल्क के तौर पर आपको 500 रुपये देने होंगे, जिसमें 350 रुपये रजिस्ट्रेशन के और सिक्योरिटी शुल्क के रूप में देने होंगे। इस तारीख तक इसके लिए जरूरी 150 रुपये का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्वयं कर रहा है। कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग ऑनलाइन अमेजोन से, पेटीएम पेमेंट बैंक, स्टेट बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पर भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। राजस्थान में आपको ये सुविधा कुछ ई मित्रा के काउंटर पर भी मिल सकती है। इसके साथ ही नज़दीकी फास्टैग विक्रय केंद्र के बारे में अगर आपको पता करना है तो इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर माई फास्टैग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और अधिक जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 100-1033 पर भी फ़ोन कर सकते हैं। इसके साथ ही फास्टैग को आप अपना मेट्रो कार्ड या कोई गिफ्ट कार्ड रिचार्ज करते हैं ठीक वैसे ही रिचार्ज कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय भुगतान निगम या फिर माई फास्टैग ऐप के जरिए UPI रिचार्ज सुविधा विकसित की गई है। फास्टैग में नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए 100 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का रिचार्ज भी आप करवा सकते हैं। वहीं सरकार की अधिसूचना के अनुसार फास्टैग के बिना यदि कोई भी गाड़ी टोल प्लाजा में प्रवेश करती है तो गाड़ी की उस श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दुगना शुल्क का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। फास्टैग के लिए आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC, गाड़ी के मालिक की पासपोर्ट साइज फ़ोटो और ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी। साथ ही जो आपका पता है उसके प्रूफ के तौर पर आपको आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत भी होगी। और अगर आपके पास 2 गाड़ियां हैं तो आपको दोनों के लिए अलग अलग फास्टैग लेने होंगे। आपको बता दें कि एक फास्टैग की वैलिडिटी 5 साल तक की होगी। खास बात यह है कि अगर आप टोल प्लाजा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो आपको छूट मिलेगी जो कैशबैक के रूप में आपके खाते में आ जाएगी। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 527 टोल प्लाजा हैं, जिनमें से 380 टोल प्लाजा के सभी लेन फास्टैग से लैस हो गए हैं। बाकी लेनों को भी फास्टैग से लैस किया जा रहा है। प्रोसेस ये है कि सर, इसमें एक तो कैश लेस हो जाएगा सर, एक तो फास्टैग से लगने पे, और इसमें एक RC और DL चाहिए लगाने के लिए अपन को, और इसको कस्टमर को खुद को रिचार्ज करना पड़ेगा। इसमें PG गोइंग है, आप कोई भी कर सकता है सर इसको। आरसी अगर नहीं होगा सर, RC और DL तो मैंडेटरी है सर इसमें। तो पहले तो एक सिस्टम था कि अगर किसी के पास पास होता था तो क्योंकि वो उसी गाड़ी में काम करेगा। हाँ सर, वो उसी में काम करेगा वो, क्योंकि उसमें RC लगेगी, RC से, और वो फास्टैग लिंक होगा सर, और जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो उससे लिंक होगा। किसी के पास नहीं हो ये सिस्टम तो क्या उसका पैसा भी देके जा सकता है? हाँ वो जा सकता है सर, केस की लाइन भी होगी सर। कितने लोगों का रुझान है फास्टैग लगाने को लेकर सरकार का जो है? नहीं, लोगों का रुझान बढ़ा है फास्टैग के प्रति। दिन भर में कितने फास्टैग पहले सर हमारे लग रहे थे 20-25 कुछ लग रहे थे, अभी कुछ ज़्यादा बढ़े हैं, अभी जैसे 50 तक हो जाएगा टारगेट। क्या चार्जेस ले रहे हैं आप? इसमें सर 500 रुपये चार्जेज है, 100 रुपये टेक के हैं और 200 रुपये आपके सिक्योरिटी के कटेंगे और 200 रुपये आपके वॉलेट में आ जाएंगे सर।
अभी सरकार ने निःशुल्क किया है सर, 1 दिसंबर तक तो निःशुल्क का सर लिए जा रहे हैं। निःशुल्क का सर अभी गाइडलाइन नहीं है, निःशुल्क हो जाने पर निःशुल्क लगाया जाएगा। ठीक है, मेरा नाम अब्दुल वहाब है सर।